بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرضاهنا وأرضاه العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على آدائهم ومنكر فضائلهم وغاسبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين وقال الله تعالى فهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى الصلوات وقال مولانا ومقتدانا علي بن الحسين زين الآبدين لو أن النبي تقدم إليهم في قتالنا كما تقدم إليهم في البسايا بنا

उन लोगों ने शरार दिया कि जो लंबिया की रसालत की उजरत को रसूल अल्लाह के जरिए से अदा करते हैं और पहले भी हमने तोजह दिलाई कि इंसान अपने ऊपर वरूर ना करे लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं कि जो हकीकत है उससे काम ले और हकीकतों में से एक हकीकत यह है कि हम बहुत अच्छे हैं इस एतबार से अहले बैत से वापस है और बहुत बुरे हैं इस एतबार से के जैसा कि वो चाहते हैं उस मकाम पर नहीं पहुंच पाए अच्छा मानना इस एतबार से कि हम ये जान लें कि उनके राबते, उनसे राबते के अलावा उनसे ताल्लुक के अलावा कोई और चीज सराते मुस्तकीम नहीं है और अपने आप को अमल में बुरा समझने का फायदा यह है कि हम अपने ग्राफ को बुलंद से बुलंद करें और अपने पे तवज्जो दें और जैसा कि वो चाहते हैं वैसा बनने की कोशिश करें लिहाजा किसी भी फील्ड में अगर इंसान ये सोच ले कि मैं अच्छा हूं तो इसके माना यह है कि वो रुक गया कोई भी फील्ड हो अगर कोई ये सोचता है कि मेरे पास इल्म ज्यादा है तो इसका मतलब है कि अब ये मामला रुक गया बस ताल्लुक के एतबार से हम फख्र महसूस करें लेकिन इस ताल्लुक के लिए हर वक्त अल्लाह से दुआ करें जब कर्ब रसूल अल्लाह का जिक्र आता है तो यह चीज भी वाजह हो गई कि हम उन्हें क्रबा का जिक्र करने के लिए बैठे हैं और क़ुरब रसूल अल्लाह को कत्ल किया गया, गयाब रसूल अल्लाह को असीर किया गया और जिस लिए लिए। वसलाम को हमने सरनामे कलाम के तौर पर आपकी खिदमत में पेश किया कि आपने क्या फ़रमाया और बार बार इसको हम तोज्जो दिलाएंगे इसकी जानब कि आपने फरमाया जिस तरह से रसूल सल्लम ने हमारी मबदत का हुक्म दिया था हमारी मोहब्बत का हुक्म दिया था अगर इसके बरखिलाफ़ वो हमारे कतल का हुम देते तो भी इतना ज़ुल न कर पाते ये कि जितना जुल्म हुक्म मोहब्बत के बाद दिया हुक्म मवद्दत के बाद दिया बस अब यह समझ लेना चाहिए कि हमारे लिए जो अहम तरीन एक इबादत है वह है मवद्दत अहले बैत अब इस जानब तवज्जो रहे कि यह जो सवाब बयान हुआ है किसी भी सूरत में जिक्र अहले अहलैत का जिक्र अहले बैत इबादत है खसूस जिक्र मौलाम तो ये इस वजह से है कि अगर दो रकत नमाज भी पढ़नी हो तो ज़रूरत पड़ेगी कि गसल कैसे हो वज़ू कैसे हो नमाज कैसे पढ़ी जाए और हज़ार कस्म के अहकाम के जिनका त्ल्लुक़ल या वजू या नमाज से है जब ज़रूरत पड़ेगी तो सवाल ये पैदा होगा कि से सीखा जाए और फिर देखना होगा इसका सोर्स क्या है तो यहां से जरूरत पड़ेगी कि हम ये किस से लें अहल बैत से लें या गैर अहले बैत से लें उसके बाद ये सवाल पैदा होगा कि अहल बैत में क्या ऐसी खसूसियत है जो उनसे लें अब इस चीज को जानने के लिए फजाइल बयान किए जाते हैं लिहाजा फजाइल का जो मामला है उसको सिर्फ सवाब ना समझें बल्कि ये जानें कि पूरे दीन का दारो मदार अशरफुलंबिया की पूरी शरीयत का दारो मदार उनके बाद फजाइल अहल बैत पर है फजाइल अहल बैत पर इस माना में कि जब फजाइल पता चलेंगे तो अहल बैत से ताल्लुक होगा अहल बैत से ताल्लुक होगा तो सही दीन निकलेगा अब यह सवाल पैदा होता है जी दुश्मनों की मजम्मत क्यों करें यह हमारे यहां एक अल्लाह का शुक्र है हम तो ज़्यादा परवाह नहीं करते समझा देते हैं लेकिन बोलते वही हैं जो हमें बोलना होता है अलबतः ये जो जुमला कह रहे होंगे ना समझे कि यहाँ की इंतज़ामिया ने हमसे कुछ कहा कि नहीं बहुत माशा बड़े मदद हैं इन्होंने कुछ नहीं कहा हमसे लेकिन दुनिया भर में जाते हैं कभी कहते हैं लोग क्योंकि ज़ाहिर है जितने भी ट्रस्टीज़ हैं उनकी भी वाज मुता हैं तो बस दफ़ा पता चला कि उनको ऑर्डर आया जी मौलाना से पर्दे की बात ना करें हम कहते हैं अच्छा अगले दिन पर्दे की बात करते हैं कर लो जो करना है जो कहना है वो ज़रूरी है लिहाजा एक बात जो एक बहुत ही मॉडर्न अपने आप को लोग शो करते हैं ऐसी बात कहते हुए मौलाना इतने फ़ज़ाइल अहल बैत के क्या ज़रूरत है दुश्मनों को जिक्र करने की ये बात बड़ी अच्छी लगती है लेकिन याद रखें कि ये बात एक ज़हर से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है इस्लाम के लिए सिर्फ़ फ़ज़ाइल अहल पैद फ़र्ज़ करें कि हमने पचास साल बयान किए सिर्फ़ फ़जाइल अहलैत फ़र्ज़ की बात है और अगर ऐसा होने लगे ना तो समझिएगा कि आइंदा सौ साल में हम ख़त्म होने वाले हैं और जो भी आपसे कहे और बता इस नजरिए की डट के मुखालफत करें इस नज़रिए सिर्फ़ फ़जाइल फ़र्ज ये कर लें कि अभी हमने फ़ाइाल शुरू किए पूरी दुनिया तशैयों में सिर्फ फ़ायल बयान होना शुरू हुए सौ साल के बाद हमारे बच्चे ये कहेंगे कि मजलिसों में इन्होंने फ़ज़ाइल सुनाए हैं मिसाल के तौर पर रसूल अल्लाह के मौलानी के जनाब सैदा के इमाम हसन के इमाम हुसैन के एक फिर साहब थे उनका नाम था सलमान फ़ारसी एक मखदाद थे एक थे और हमारे उस्ताद ने मसला फ़ज़ाइल सुनाए हैं इसके उसके उसके अब उसका उस्ताद जिन जिन दुश्मन अहलबैत के फ़ाइल सुनाएगा वो उसको भी कबूल करेगा बच्चा हमारा वो ये सोचेगा कि हमारे माँ बाप ने सिर्फ इनके फ़जाइल सुनाए उनके फ़जाइल सुनाना भूल गए और हमारे उस्ताद ने उन दुश्मनाने ने अहल बैत के ये तो मैं कह रहा हूँ ज़ाहिर नाम लेने के बजाय उन सब के नाम अपने जहन में रख लें तो वो बच्चे हमारे कहेंगे कि हमारे उस्ताद ने मसला हज़रत फ़लान की और हज़रत फ़लान की और हज़रत फ़लान के मसायब सुनाए वो तो फ़जाइल सुनाए आइंदा पचास सौ साल में क्या होगा कातिल मकतूल हमारी औलाद के नज़दीक बराबर हो जाएंगे और ये काम अल्लाह सुबहाना ने कभी भी नहीं चाहा ब दफ़ा जहन में आता है कि जो लानतों का सिलसिला दुश्मनान अहले बैत के लिए कोई नया सिलसिला ऐसा नहीं है जो मखसूस ज्यारत मौला अमरमिन है ये मफाती में भी मौजूद है उसमें इतफ़ाक़ से मौला आमिरम्न से पहले एक तो वही अम्बी और मलाइा पर शलबाद का सिलसिला है और उसी जीारत में एक मौजू आता है अल अम्बिया अल्लाह तू लनत फ़र्मा कतलिन अम्बिया पर और उनके अवसिया के कतलिन पर तो जो तालीम हमें मिली अहिल से वो ये नहीं मिली कि फकत इन्हीं के दुश्मनों पर लानत ना अल्लाह के दुश्मन से बरात अल्लाह का दुश्मन कौन है अल्लाह ने क्या फरमाया इदा मिनल मिन शैतान अर रजीम कुरान की तिलावत करो तो क्या करो शैतान रजीम से भागो किसकी पनाह में जाओ अल्लाह की पनाह में पहले शैतान की से बस का इज़हार करना है या क्या करना है नहीं पहले बख्स का इज़हार करना है तो कुरान मिलेगा वाला ये शैतान कुरान में शक डालेगा अल्लाह की वहदानियत का ज़िक्र करना है तो क्या है पहले पहले इनकार करना है तमाम खुदाओं का कि जो अल्लाह सुबहाना हूँ तआला के मुकाबले में जितने भी खुदा हैं ला इलाहा नहीं कहेंगे तो इलाह का कोई फायदा नहीं है ला इलाह के बगैर इस एक खुदा को माना जाएगा हजारों देवती और देवताओं में से एक मिसाल के तौर पर हमने क्या दिया मुसलमानों का गॉड फर्ज करें तो कहेंगे सही मुसलमानों का गौर और हजार कस्म के आइडल्स हैं गॉडस वो भी हैं लेकिन मुसलमानों के गॉड की खसूसियत उसी वक्त वाजह होगी कि जब हम सब का इनकार करते हैं तो ला इलाह के बगैर याद रखें इलाह का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला बिल्कुल इसी तरह से पहचानने के लिए जरूरी होता है कि दुश्मन को भी पहचाना जाए क्योंकि दुश्मन जब जिद होता है तो पता चलती है कि जिसका ये दुश्मन है वो कैसा होगा बाज दफा फजाइल से पहचाना जाता है लोगों को बाज दफा इन लोगों के दुश्मनों से पहचाना जाता है कि जब दुश्मन इतना खबीस है तो इसका मतलब ये सही होंगे या जब ये लोग मुखालफत कर रहे हैं तो इसके, तो इसके माना यह है कि ये इनमें तो नहीं है से कम इतना नतीजा जरूर निकलेगा फर्ज करें ग्रोह किसी की मुखालफत कर रहा है तो यह पता चलेगा इसका मतलब ये वाला इनमें तो चाहे शैतान के मुकाबले में अब मिसाल के तौर पर इसके बाद अगला जुमला क्या कहा जाता है पहला जुमला क्या है कि जी की क्या वो, वो, दुश्मन को क्या कहने की जरूरत है फजाइल है दूसरा जुमला और कहा जाता है अरे दुश्मनों की हैसियत क्या है वो जिक्र क्यों करते हैं तो कहा जाएगा अल्लाह के मुकाबले में शैतान की हैसियत है नहीं इतने बड़े अल्लाह के लिए आप डर रहे हैं शैतान से हामा हा? अब थ्योरेटिकल कैसा अच्छा लग रहा है जुमला लेकिन है ये शैतानी जुमला ठक से कोई कहेगा अरे ये दो ठगे तो के मट्टी के खुदाओं के लिए आप इनकार कर रहे हैं आप अपने अल्लाह का जिक्र कीजिए उनके इनकार का क्या फायदा तो कहा जाएगा मामला मुकाबले का नहीं है मामला सराते मुस्तकीम से हटने या रहने का है अगर हमने उन मट्टी के पत्थरों के या उस जमाने में भी शकर के और इसम तो के खुदा होते थे उनका इनकार नहीं किया तो ये अल्लाह का नहीं कुछ बिगाड़ सकते यह मुजस्मे लेकिन अल्लाह के बंदों को जरूर बिगाड़ सकते हैं बस अब जो हम कह रहे हैं ला इला तो अल्लाह का नहीं दिफा कर रहे अल्लाह को खौफ नहीं उन बुतों से हम अल्लाह के बंदों को बचा रहे हैं कि इन झूठे खुदाओं से बचाकर इन बंदगा खुदा को सही सराते सही सरात पर चलाएं वो सरात के जो अल्लाह तक पहुंचती है जब इनकार करते हैं हम अंबिया के कातिलों का चाहे वह कारून हो शाह चाहे वह नमरूद हो चाहे वह शद्दाद हो चाहे वह फिरौन हो क्या इस वक्त फिरौन मौजूद है क्या जरूरत है उसका जिक्र करने की कानून मौजूद है शद्दाद मौजूद है नमरूद मौजूद है तो अब यहां पर बहुत सारी चीजें खुलेंगी कहा जाएगा अंबिया की जिद्दोजहद को भी बयान करना है और जब यह बयान होगा कि अंबिया इनके खिलाफ थे तो हजार कस्म के पहलू निकलेंगे कि अंबिया जालिमों के साथ नहीं थे अंबिया जालिम बादशाहों के साथ नहीं थे अंबिया माल जोड़ने वालों के साथ नहीं थे अंबिया तकबर वालों के साथ नहीं थे फायदा एक नहीं है हजारों फायदे हैं हक और हकदार को बयान करने के और बातिल और जो बातिल पर चल रहा है उसको बयान करने के हजारों फायदे हैं यहीं पर मौजू आ जाता है कि अगर हम बयान करते हैं दुश्मन ने अली को तो इस वजह से नहीं करते कोई मामला है बराबरी है बल्कि बयान करते हैं कि अगर नहीं करेंगे हक और बातिल मिल जाएगा हक और बातिल मिलने से मौला अमिर उलमिन को नहीं नुकसान होना हक और बातिल मिलने से नुकसान होगा अल्लाह के बंदों का सलवा पड़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद और यही अहम तरीन चीज है जियारत आशूर में पहले लान वो भी कितने हैं सौ दफा फिर सलाम अब एक गुफ्त की जाती है जी लान करना जो है कौन सा जी वो अच्छा कल्चर है भाई अच्छा कल्चर हो या बुरा कल्चर हो हमें तो नजर आ रहा है कि अल्लाह सुबहान तला ने लान भेजी है खुद भी लानत भेजी है लानतल्ला है ये भी आया है वैल मलाये मलाइका की लान भी आई है अब अगर अल्लाह सुबहाना व ये अर्शाद फरमाए कि मलाइका की लानत तो इसका मतलब अल्लाह भी लानत कर रहा है कुछ लोगों पर मलाइका भी लानत कर रहे हैं अम्बिया भी लानत कर रहे हैं मोमिन व मुसलमान भी लानत कर रहे हैं क़ुरान के एतबार से तो इसका मतलब है कोई तो चीज़ है बिल ये और कम तरीन जो चीज़ है वो ये कि इनके चेहरे से नकाब हटाना कि ये रहमत खुदा से तो दूर है ही और ये सरात मुस्तकीम नहीं है बस ये जहन में रखें कि हम आय के दुश्मनों पर भी लानत भेजते हैं और अंबिया के दुश्मनों पर भी लानत भेजते हैं फ़र्अन से शद्दाज से नमरूस से और जितने भी कातलिन अंबिया और दुश्मन अंबिया है उनसे सबसे ज्यादा बरात का नफरत का हक हम अहलबैत के मानने वाले अंजाम दें और सबसे ज्यादा हक हाँ हम रखते हैं जियारतों में और बहुत सारी जियारते हैं इनशाला जियारत आशूर को ज्यादा फोकस करेंगे जियारत अमीनुल्लाह। और उसको पहले बयान करने से पहले बताएं कि दिनों को भी डिवाइड किया गया है जियारतों में ऐसा नहीं है कि जिस दिन है सिर्फ उन्हीं की जियारत करें लेकिन एक दिन को मखसूस करार दिया है तो हफ़्ते का दिन है रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम की ज़िारत का और दो ज़ारतें हैं जनान में कि ममिन को चाहिए और फिर ये याद रखें समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग किसी ने नहीं कहा कि आप अभी आ जाएं और कल से ही शुरू कर दें हाँ पहला काम है मफाती ख़रीदें दूसरा काम है उसमें एक कोई चीज़ लगाएं तीसरा काम है कि आहिस्ता आहिस्ता उसको पढ़ें नहीं पढ़ने में आ रहा तो ये सारी चीजें यूट्यूब पर मौजूद हैं एक लाइन एक दिन में करें दूसरी लाइन दूसरे दिन में करें आहिस्ता आहिस्ता सब हो जाएगा तो हफ्ते के दिन है जियारत रसूल सल्लाम से मनसूख एतवार का दिन मौला आमिर जनाब सैदा अलह मसलात का दिन पीर का दिन इमाम हंसर और इमाम हुसैन की जीारत का दिन लेकिन मुराद ये नहीं है सिर्फ इनकी जीारतें यानी ये मखसूस हैं दो की बाकी तो ये सारी जीारतें दिन में जितनी दफ़ा करें मलायक को तस्वुर कर लिया अम्बिया को तस्वुर कर लिया अम्बिया के तमाम ओसिया का तस्वुर कर लिया खसूसा अहिल बैतुल का इस नशर का तसवर किया तमाम शहदाय करबला का तस्वर किया तमाम असरा ने करबला का तस्वर किया फिर तमाम जो ख़िदमत गुजारान अहिल बैत मासूमिन उनका तस्वर किया इनके जो अब पाक थे इनका तस्वर किया तमाम तशै जो बड़े बड़े महाराज गुजर गए उनका तस्वर किया तमाम ममिनिन और रिश्तेदार उनका तस्वर किया असलमकूम ये हमें बोलने में टाइम लगा है तस्वुर में आपको एक मिनट नहीं लगेगा तो पीर का दिन हो गया इमाम हसन और इमाम हुसैन का मंगल का दिन इमाम जमिलान इमाम मोहम्मद बाकर का इमाम जाफर सदिक का बुद्ध का दिन इमाम मूसा काज़म इमाम मोहम्मद तकी इमाम अली नकी का जमेरात का दिन इमाम हसन अस्करी का और जुमे का दिन इमाम जमान असलातलम का अब आहिस्ता आहिस्ता इन उसको शुरू करें कुछ नहीं होता तो क्या करें इन दिनों को याद करके हर वक्त सबको सलाम करें हफ्ते को स्पेशली रसूल्ला को दो सलाम कर लें खास सलाम कर लें अपनी जबान में इंग्लिश में या उर्दू में या अरबी में फारसी में गुजराती में पंजाबी में सराकी में जिसमें भी हो ये सब ज्यारतें हैं और असल कॉन्सेप्ट वही है कि कॉन्टेक्ट को बरकरार करना और वह अपनी जबान में भी हो सकता है सब में हो सकता है ज़ारतों में से एक ज्यारत जो है वो मशहूर वो है ज़ियारत अमीन के इसकी इब्तदा होती है यामी फ़ी आरोही और ये अमानत दार कौन है मौलामी रमो लेकिन फिर हम बताएँ जियारतों में से जो सबसे अफजल ज़ियारत है वो इमाम हुसैन की है जो कोई इंडियन कल्चर या पाकिस्तानी कल्चर की बात नहीं हो रही वजह यह है कि हर इबादत का दारो मदार खून मुकदस इमाम हुसैन से यही वजह है कि जो पहले भी हमने तवज्जो दिलाई हर बड़े दिन में अहम तरीन इबादत क्या है दो रकत नमाज एक अदद गसल और क्या चाहे शब कद्र हो चाहे पंद्रह शाबान हो चाहे बैसत रसूल अल्लाह हो चाहे कोई भी दिन हो अफजल तरीन इबादत क्या है जियारत इमाम हुसैन ये बाजफा लोगों को ताज्जुब भी होता है बहसत रसूल अल्लाह जियारत इमाम हुसैन विलादत रसूल अल्लाह जियारत इमाम हुसैन यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत है लेकिन क्या ताकीद है जियारत इमाम हुसैन ताल्लुक क्या है विलादत उनकी जियारत इनकी ऐलान नबूबत अंबिया का जियारत इनकी वजह यह है कि यह सब कुछ दीन बचाने के लिए जो कर्बानी दी वह इमाम हुसैन ने दी अब तकरीबन सात आठ जियारतें हैं मौला अमीराम के जनान में क्या ज़रूरी है वो सब पढ़ी जाए ना जो हो सकता है इंसान कर ले अब यहाँ से हम थोड़ी सी गुफ्तू करते हैं कि जीारत के एक माना है खुद देखने के लेकिन कैसा देखना ऐसा देखना कि जिसमें एक अदब हो मोहब्बत हो और फिर ये मौजू डिवाइड हो जाता है जीारत करीब से और ज्यारत दूर से अब अगर दूर कहीं हैं करीब हम हैं तो जाके जीारत करें और अगर करीब हैं तो जीारत करें करीब जाके जीारत करने की बहुत ताक़ीद है खूस किसकी ज्यारत इमाम हुसैन हज वाजब याद रखें लेकिन अगर किसी ने वाजब हज कर लिया है और अब सवाल किया जाए कि क्या करे तो कहा जाएगा जियारत इमाम हुसैन वजह क्या है कि यह हज जो बाकी है यह इमाम हुसैन की वजह से बाकी है रवायात में नकल हुआ कि कब्र मुतर इमाम हुसैन के पास रहना रोज़े अरफा में ज्यादा सवाब का सबब है बेनस्बत योम अरफा वहाँ रहने का क्यों? क्योंकि योम अरफे की जो इबादत हैं इसका दारदार इस हुसैन के खून पे है अजरकमल लान के बारे में आम तौर पर तस्वुर यह है कि आमियाना चीज है एक चीज़ है शलाबात कि जिसमें हम कुरान में भी क्या हुक्म है इनके हु नबी एक ये पूरा शलाबाद का हुक्म है दूसरी जानब सवाल ये पैदा होता है ये जो लान वाली इतनी आयात हैं इनका क्या होगा लानातल्लाकाफ़रीन अलमीन लाना तोल्वलमलाकत फिर यह अम्बिया की लानत मोमिन की तो ये आयतें जो हैं क्या माज़ल्ला माज़ल्ला कोई नतीजा नहीं है इनका बस याद रखें दो चीज़ें हैं कुछ लोगों के लिए हमें दुआ करनी है कि या अल्लाह तू इन पर रहमत फरमा ये वो लोग हैं कि जो सरात मुस्तकीम पर हैं और कुछ इनमें से सरत मुस्तकीम पर नहीं है वो खुद ही सरात मुस्तकीम है और जो दूसरा मौजू है वो क्या है कि अल्लाह जो तेरे दुश्मन हैं उन पर अजाब नाजिल फरमा वो कौन है जो अल्लाह के दुश्मन है कुछ उसमें से शैतानी राह पर हैं और कुछ ही शैतान हैं अब यहां पे सवाल पैदा होता है अकली तौर पे पूछा जाए कि अगर हम लोगों को डिवाइड करें वो लोग हैं जो अल्लाह के मतियव फर्मा बरदार हैं अंबिया के मतियव फर्मा बरदार हैं आइम्मा के मतियव फर्मा बरदार हैं और कुछ लोग वो हैं जो खुदा रसूल और आयमा के दुश्मन हैं क्या इन दोनों के साथ एक एटीट्यूड होना चाहिए क्या इन दोनों को एक निगाह से देखना चाहिए तो कुरान कहता है नहीं इनके ऊपर सलवाद भेजो इनके ऊपर लान भेजो सलवाद पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद आयातल्लाजत से सवाल हुआ और अगर इसको तफसील से आप देखना चाहें तो पूरा हमारे उसके ऊपर एक क्लिप भी है उसमें उनकी वीडियो भी डाली है हमने सुनी सुनाई बात नहीं है उनकी वीडियो डाली है और जो वो कह रहे हैं वो लिखा हुआ भी डाला है ख़ुद आगे बहजत से मूवी बनाते हुए सवाल हुआ आगा सलावत का सवाब ज़्यादा अफजल है या लान सलावत अफजल है या लान तो एक तो जहन में रखें कि आगे बहजत के खुदावंद तबारक ताली उनके दर्जात को बलंद से बुलंद फरमाए बहुत ही बलंद मकाम पर फाइज थे वो अपनी जगह लेकिन एक उनकी खसूसियत ये थी और ये उनके जो करीब लोग थे वो भी जानते थे कि वो बज़ दफ़ा बहुत ही एक छोटा सा नुकतः मार के मुस्कुराते भी थे बहुत वो बहुत ही ज़रीफ़ थे छोटा सा नुक़ा मारते थे और वो छोटे से नुकते में बहुत सारी चीज़ें खुल जाती थी मिसाल के तौर पर एक आलिम थे कुंभ में उनका नाम नहीं लेते उनका बेटा एक दफ़ा आगे बहजत के साथ साथ इस तरह से चल रहा था और ख़ुद उसने बाद में बताया और बेटा जवानी में था और जवानी में आप जानते हैं कि बाज दफ़ा जो है वो कहीं ना कहीं दिल भी लड़ जाता है तो उसी में टेंशन में था बेचारा कि खुदा सारे जवानों की इस टेंशन को दूर करे तो एक दिन आ गए बह जाए सोने झुके हुए मग़रब की नमाज के बाद और वो उधर कम से कम आठ दस लोगों के उधर ये अकबिला थोड़ा इधर तो एकदम से उसको नाम से नाम हमें पता है हम ले नहीं रहे उसका क्योंकि उसकी बीवी को दास्तान पता चल जाए तो पता चल अब घर का हालात खराब हो गया कह आगे गए जाते हैं तो काम खराब ही कर दिया तो उसका नाम लेके बुलाया कि आओ उसके बाद पूछा कि अब्बा तुम्हारे कैसे हैं और कहा सब खैरियत ठीक ठाक अच्छा ये बताओ कि एक हीरा बेहतर है या हीरे का पहाड़ बेहतर है अब इससे हमें किसी को कुछ समझ में ना आए लेकिन उसको उस वक्त ऐसा लगा कि जैसे ये कह रहे हैं कि एक इंसान बेहतर है या इंसानों का खालक बेहतर है उसने जो उस वक्त महसूस किया और वो कहता है कि इससे मुझे ये लगा वो मुझसे कह रहे हैं कि तुम अपने आप को इतना तुमने मसरूफ़ कर दिया है कि इंसान की याद में कि अल्लाह को भूल गए वो बेहतर है कि अल्लाह को याद रखो इतनी सारी चीज़ें उसके जहन में आए और कहता है कि मेरा दिल बिल्कुल मतमिन हो यहां पे कहा जाता है कि उन्होंने इरादा किया इसका अब ये इरादा जो है उनका कैसा है ये वही इरादा है कि खुदा रसूल और आयमा में क्योंकि गर्क थे अब अगर उन्होंने चाहा कि इस एक जुमले से ये 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 समझे बीस चीजें तो ये जो उनका इरादा है ये उनका अपना इरादा नहीं है क्योंकि अल्लाह रसूल और आयमा से इतना इश्क करते हैं तो उन्होंने इरादा किया कि जुमला बोलूंगा एक चीजें समझे ये बीस इसी तरीके से एक दफ़ा एक जवान ने क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग जाते हैं बुजुर्गों के पास कहते हैं कुछ हमें समझाएं कुछ हमें बताएं और जो मांग रहे होते हैं वो अल्लाह की अल्ला कुर्बत नहीं मांग रहे होते आप जाते हैं क्या मांग रहे होते हैं बहुत हमारे ऐसे दोस्त हैं अहबाब तलेब इन थे जो मांग रहे होते हैं बुजुर्गों से और मांग रहे होते हैं वो कोई करामत यानी हम भी ऐसे हो जाए जबकि ये लोग ये कहते हैं कि अल्लाह की बंदगी करो वो अल्लाह जो देगा सो देगा किसी चीज के चक्कर में नहीं करो तो एक दफा किसी नौजवान ने अपना सर जो है दीवार पे मारा अगले दिन वो मस्जिद में मिला तो उससे कहते हैं सर दीवार पे मारने से मुश्किल नहीं हल होती अपने दिल को अल्लाह के लिए खोलो ये हमारे उलमा हैं याद रखें हर आदमी ना समझे कि मुझ जैसा है जो आपके सामने बैठा है बेकार हमारे उलमा वाकन उलमा है वही गए बहजत जब उनसे सवाल हुआ कि आगा लान का सबाब है फजीलत लान हाँ अब फजीलत लान आगा फजीलात लान बाला तरहत या फजीलात सलावत उन्होंने जवाब दिया उन्होंने ये जवाब दिया मिसले के सलावत तह हंस वलान तखलिया हंस तह हंस से क्या मुराद यानी अच्छी सिफात लेके आओ तखलिया यानी गंदी सिफात को निकालो तो फरमाते हैं शलवा ऐसा है जैसे अच्छी चीज़ों को हम ला रहे हैं लान ऐसा है जैसी गंदी चीज़ों को निकाल रहे हैं ये हमारा क्लिप है उसमें आप देखिएगा उनकी तस्वीर के उतना साथ नहीं मूवी के साथ है और वो इस वजह से हम देखने को कह रहे हैं उसमें बाकायदा फिर वो मुस्करा के ऐसे देख रहे हैं उसके बाद कहते हैं पहले घर में झाड़ू निकाल के गंद निकालो फिर मेहमान को बुलाओ <गा>। <गा>। क्या मुराद पहले इस लान के जरिए से इन दुश्मनान अहले बैत की मोहब्बत को दिल से निकालो गंद को निकालो ये गंद जो है दुश्मन ने अहिलैत का इसको दिल से निकालूँ ये गंद को निकाल के दिल को पाक करो फिर अहिल बैतम सलाम के नूर को लाओ सलवा पढ़े पर मोहम्मद ये फिर हम ताकीद करते हैं इस क्लिप को देखें और उनकी मुस्कुराहट पे दिक्कत करें कि वो क्यों इतनी मुस्कुराहट के साथ एक खास तर्ज से कह रहे हैं तवज्जो दिलाने के लिए और कर भी मैंने अर्ज किया था कि ये बुजुर्गान आज मुझे एहसास होता है कि इनकी महबूबियत की वजह से आज भी अगर हम आपके सामने ये बात कर रहे हैं अगर ये दस पंद्रह साल में उनकी शोहरत ना होती तो उनकी बात का यह असर ना होता इन लोगों ने बहुत बड़े इनहराफ से पूरी हमारी कौम को बचा लिया है अब आप तस्वुर करें एक और आलिम का हम जिक्र करें जिससे पता चलता है कि ये लोग हैं क्या फिर ये लोग अगर कह रहे हैं कि हमारे पास जो कुछ है वो ज्यारत आशूर की वजह से है तो फिर तो सोचना होगा कि जियारत आशूर है क्या चीज जो ये आदमी कह रहा है ये आदमी कह रहा है तो बात नहीं है कुछ कि जो आपके सामने बैठा है वो कुछ कह रहे हैं तो सोचने की बात है एक कुंभ में थे हजरत आयतुल्ला बहाउद्दीन जो हमने खुद उनकी कई दफा जियारत की उनसे भी जब पूछा कि क्या किया जाए सवाल क्या था जो हमने कईयों से किया कि वाजबात के बाद हराम से बचने के बाद बेहतरीन चीज क्या है खुदा रसूल और आयमत से कर्फ के लिए जियारत है जा में जियारत आशूरा सीधा सीधा सिंपल सा जवाब जियारत जामिया जियारत आशूरा अब इनका आलम क्या है एक दिन इनके एक शागिर्द घर से निकले किसके लिए इनके पास आने के लिए दर्स के लिए अब ये घर से जब निकले हैं तो थोड़ा सा शायद लेट हो गए और यहां आयतुल्लुजमा बहाद्दीन का दर्स शुरू हो चुका है ये घर से निकले और रोड पर एक गढ़ा था गढ़े में पानी था थोड़ा सा एक गाड़ी गुजरी और उसका टायर उस पानी में गया और पानी उड़ के इन पर आया और ये एकदम से नाराज हुए वो तो चला गया अब अगर पानी इतना होता कि रोड भरी हुई है तो फिर तो कहा जाता कि इसने जानबूझ के उड़ाया या इसने तवज्जो नहीं की तो थोड़ा सा पानी था जो नजर भी नहीं आ रहा था गया उड़ के एकदम से आ गया अब एकदम से नाराज हुए अब नाराज होकर ज़ाहिर गालियां तो नहीं दी होंगी अब कुछ भी कहा गुस्से में यही कह दिया अंधे हो गए हो देख के नहीं चलाते या मसला नहीं है कि गाड़ी पे करूर हो गया कुछ भी मसलन कह दिया नाराज हुए अब ये यह यहां से पहुंचे आयतुल्ल और उस्मा बहाुद्दीन के दर्श में दर्श में जब पहुंचे हैं तो शागिरदों के साथ उनका दर्श चल रहा है अब वो शागिर्द क्या समझ रहे होंगे कि ये इन्होंने क्या टॉपिक निकाल लिया नया या ये कि चलो जी फिक का मौजू चल रहा था हमें अखलाकियात का भी दर्ज दे दिया मौजू कुछ और चल रहा है तालब इन महसूस कर रहे हैं कि चलो जी हमें अच्छी नसीहत कर दी आज शागिर्द दाखिल हुए उसको हल्का सा देख के उसके बाद ऐसे गुफ्तगू शुरू की कहते हैं बाज दफ़ा लोग घर से निकलते हैं रोड पर छोटा सा एक पानी का गढ़ा होता है उसमें पानी होता है एक मोमिन ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उसकी कतन ये नीयत नहीं है कि पानी उछाले इतफाक़ से गाड़ी का टायर उस गढ़े में चला जाता है पानी उछल जाता है तो उससे नाराज़ नहीं होना चाहिए उसको बुरा नहीं कहना चाहिए शागिर समझ रहे हैं कि नसीहत कर रहे हैं कहता नसीहत है लेकिन वो आने वाला समझ गया कि मैं ये यहाँ बैठे थे मैं वहाँ पर था कई मील दूर और ये मेरी हरक़त को और मेरी हती रवैये को और मेरी फिक्र को यहां से बैठ के गुफ्तु के दौरान इतने लोगों के दरमियान रू इनकी यहां पर जिसमें इनका यहां पर लेकिन एन उस वक्त ये मुझे वहां देख रहे थे मेरी नीयत को मेरी जबान को देख रहे थे उस ड्राइवर वाले की नीयत को ड्राइवर वाले की गाड़ी को और गढ़े को और पानी को देख ऐसा आदमी अगर कहे कि मेरे पास जो कुछ है वो ज्यारत आशूर की वजह से है तो यहां पर सोचना होगा यहां पे सोचना होगा कि हुसैन क्या हैं और उनको सलाम करना क्या है तो फिर मैं अर्ज करूं कि ज्यारत आशूर के चक्कर में फिर ज्यारत ना छोड़ दीजिएगा क्या मुराद ये शैतान इन्हीं राहों में बैठा है आप कहेंगे मेरा दिल चाह रहा था माम हुसैन को सलाम करूं लेकिन क्योंकि मौलाना ने कहा था कि ज्यारत आशूर पढ़नी है तो मैं ज्यारत आशूर ही पढ़ूंगा यहां आपको फौरन कहना है कि जियारत आशूर बाद में पढ़ूंगा फिलहाल मैं नहीं पढ़ सकता असलमेक यही आब आबुल्ला ये जो असलामै का याबा अब्दुल्ला है ये उसके चक्कर में ना छोड़ दीजिएगा बल्कि यहाँ पर शैतान को हम क्या कहें कि वो तो मैं जब पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा फिलहाल दस पंद्रह दफा में जरूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हत्या अगर अरबी फारसी या उदू मुझे नहीं आती अपनी जबान में जरूर सलाम करूंगा असलम का याबा अब सलाब पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद कल अगर इनशाला जिंदगी रही तो एक और आलम जो आगे बहजत के और आगे खुई के और इस वक्त के तमाम मराजे के उस्ताद थे उनका बताएंगे ताकि पता चले कि ये जो हमारे जहनों में बाज दफ़ा आ रहा है मराजे जैसे आजादारी से दूर हैं तवसल से दूर हैं आयमा के जिक्र से दूर हैं ऐसा नहीं है ये सब के सब याद रखें कि खूस नज़ादारी में इन जैसा हम में से कोई नहीं है सलवात में लान में जियारतों में दुआओं में कोई इनकी मिसाल नहीं आया तो उजमा जवाब तब्रेज़ी से कि अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद से बुलंद फरमाए खुद एक दफ़ा मैंने सलाम किया कि पाकिस्तान में बाज़लोक ये ज़रिए और ताबूत का मज़ाक बना रहे हैं ये भी रोशन फ़िक्री की अमत होती है एक ये खोखे ये डब्बे ये टट्टू ये बात हमारे रोशन फ़िक्र इस किस्म बातें करते हैं समझते हैं बहुत मॉडर्न हो गए ख़ुद मैंने सवाल किया है आयतल आजमा शेख जवा तब्रेज़ी रजवानल्ल तु जनाब सैदा की शहादत में अपने घर से लेकर हरम तक नंगे पैर जाते थे फ़ोटोज़ मौजूद हैं तो मैंने कहा कुछ लोग ये कह रहे हैं तो ये ये ताबूत का क्या है एहतराम क्या हुक्म है तो उन्होंने जवाब दिया जिसकी मुझे भी तो नहीं थी मैंने कहा जवाब देंगे इसका एहतराम इमाम हुसैन से मंसूब है कहने लगे वही एहतराम है जो जरिए इम हुसैन का है ऐन नहीं कमरे थे अमान एहतराम हंस के जरिए इमाम हुसैन दौरत वही एहतराम है जो जरिए इमाम हुसैन का वजह क्या है जो चीज इमाम हुसैन से मंसूब हो गई है उसमें खुद एक तकदस आ गया है अब अगर आप किसी शहर में हैं फर्ज करें नहीं टोरंटो में आप चाहते हैं कि मुकदस जगह तो मुतमिन हो जाए यह जगह मुकदस जगह है वजह क्या है ये इमाम हुसैन से और से मंसूब, है ऑटोमेटिकली जो जगह खुदा रसूल और इम्मा से मंसूब हो उसमें खुद एक नूरानियत आ जाती है जो जगह खुदा रसूल और आइम्मा के दुश्मनों से मंसूब हो उसमें खुद एक खबासत और तारीकी और अंधेरा बना जाता है जो हम देख सकें न देख सकें बस याद रखें हर वो चीज जो खुदा रसूल और आइम्मा से मंसूब है उसमें खुद ब खुद एक तकदस है जनाब जैनब के फरजंदों से ये दिन मंसूब है या तो यह समझ लें या ये समझ लें कि यह दिन जनाब जैनब से मनसूब है बल्कि कहा जाए यह पूरी करबला जनाब जैनब से मनसूब है और जब भी जिक्र होता है जनाब जैनब का आज भी मैंने एक वाक़े का जिक्र किया और अभी भी जिक्र करूं कि जनाब जैनब की मार्फत को अगर समझना है थोड़ा सा जनाब जैनब ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया ग्यारह मुहर्रम को जब मखल से गुज़र रही हैं अभी हम उनके फ़र्जंदों के मसाइब की जानबातें ग्यारह मुहर्रम को जब मखल से गुजर रही हैं जब इनको गुजारा जा रहा है तो बीबियों ने अपने आप को गिरा दिया इमाम हुसैन के जिसम अथर पर आके जनाब जैनब ने अपने आप को गिराया और रिवायात में नकल हुआ और बज दफ़ा आपने सुना होगा बाद कहते हैं कि इस तरह से इमाम हुसैन के जिसम को उठा लिया नहीं हाँ यह है इमाम हुसैन के जिसम के नीचे अपने हाथों को दाखिल किया ये जो इमाम हुसैन के जिसम के नीचे अपने हाथों को दाखिल किया तो मुझे यह लगता है ज़ाहिर हमने तो नहीं देखा कैसे किया लेकिन क्योंकि अपने आप को गिरा दिया और गिराने के बाद अगर हाथों को दाखिल किया जाता है तो यह कैफियत होती है गिरे और ऐसे ले लिया किसको इमाम हुसैन को किस आलम में कि सर नहीं है पूरा जिस्म जो है वो लहू लहान है और तलवारों और नेजों के बार से है कौन है उस सीने पर जनाब जैनब जनाब जैनब वो हैं कि जो इमाम हुसैन से इतना इश्क करती थी एक रिवायत में है कि जनाब सदा ने रसूल अल्लाह सल वसलम से एक दफ़ा फ़रमाया अर्ज़ किया उनकी ख़दत अकदस में कि जब इसके भाई इसकी निगाहों से दूर होते हैं तो ये इतनी बेचैन हो जाती है कि कुछ हद नहीं यानी आम बेचैन नहीं होती थी वो शदीद बेचैन हो जाती थी इसी तरह से रवायात में नकल हुआ कि आम हालात में भी जब काम कर रही होती थी कोई तो काम कुछ कर रही हैं देखती थी मामे हुसैन को इसी तरह से बाज़ रवायात में नकल हुआ कि जब जनाब मौलमिन ने रिश्ता रखा जनाब अब्दुल्ला का कि अब्दुल्ला का रिश्ता आया है तुम तो उससे शादी करने की इजाज़त दोगी चाहोगी तो जनाब जैनब ने फरमाया कि जब भी मेरा भाई हुसैन सफ़र पर जाएगा मैं उनके साथ जाऊँगी ये शर्त अगर कबूल है तो सही है अब आया कितने सफरों में साथ गई हमें तो नजर नहीं आया मुमकिन है गई हूं और लेकिन लगता यह है कि करबला में जाने के लिए पहले ही इजाजत ली थी और इसी शर्त पर शादी की थी अजरकोम अब आप तस्वुर करें कि अपने आप को इमाम हुसैन के सीने पर गिरा के इस तरह से हाथों को अंदर करके अल्लाह को मुखातब करके आप जानते हैं क्या, क्या फरमाती है, है? कौरबानील अपना सब कुछ कुरबान करने वाली हस्ती अल्लाह की बारगाह में कोई फख्र नहीं कर रही यह जुमला नहीं है कि अल्लाह देख मैंने क्या किया इलाही तकबलमन्ना अल कलील अब यह दुआ फरमा रही हैं दुआ भी क्या फरमा रही हैं या अल्लाह तू मुझ से इस क़ुरबानी को ना या अल्लाह तू मुझ से इस कलील कुर्बानी को कबूल फरमा यहाँ पे कहा जाएगा कि जो मार्फत जनाब ज़ैनब की वाखन वो जनाब जैनबी की मार्फत है यह अली की बेटी और फातमा की बेटी ही कह सकती है कि मक्तल में सब कुछ कुर्बान करने के बाद अल्लाह से शिकवा नहीं है बल्कि अल्लाह से दुआ है वो दुआ भी आजदी की सूरत में है कि ये मुख्तसर सी कुर्बानी कबूल फरमान है कौन सी कुरबानी न फकती है ये सब कुछ जो मैंने कर्बान किया है ये बाल खुले हुए हैं सर पर चादर नहीं है ये सारी क़ुरबानी कुछ भी नहीं है तेरी बारगाह में इतना अजीम है कि बहुत ही मुख्तसर सी अब मेरी दुआ यह है, है कि ऐसे कबूल फरमा लनाब स चार बेटे थे हमारे दो का जिक्र होता है दो करवाला में शहीद हुए थे फिर ज्यादा जिक्र होता है और यह बताते चले कि एकदम से बात होती है नई नई बातें आ गई तो यही चौदह सितारे जो आप सबके घर में है वरना पी भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा और आज ही जाके देखें तो आपको मिल भी जाएगा तो चैप्टर है इमाम हुसैन का इमाम हुसैन के बाद चैप्टर है हैजरत जैनब का हज़रत जैनब सलाम के बाद एक ही दो सफ़े का है सिलसिला किसका हजरत उम्म कुलसुम का तो जनाब जैनब के फरजंदों का जिक्र जो है वो उनके चैप्टर में नहीं है वह हजरत उम्म कुलसुम के चैप्टर में उनके चार बेटे थे एक मोहम्मद एक अली एक ओन एक अब्बास ओन मोहम्मद करबला में शहीद हुए अब्बास की नस्ल नहीं चली अली की नस्ल नसल चलींसाब में उस नस्ल को कहा जाता है अली ज़ैनबी अब आपको तजुब होगा कि अलग अलग चीज़ें ज़हूर से पहले खुलेंगी और आगे आएंगी इस वक्त सूडान में मोरतानिया में कुछ कबाइल हैं कि जो अली ज़ैनबी की नस्ल से हैं और का शिक्र है तेज़ी से शिया हो रहे हैं मोरतानिया में सूडान में और इसी तरह से सैनिगाल वगैरह में भी बात जगह लेकिन मेन है ये सूडान और मुरतानिया में ये सब वो हैं कि जो बाद में वहाँ पर मुंतकिल हुए अली जैनबी की नस्ल से एक इनकी ये वाला मौजू नहीं है उसमें लेकिन चार बच्चों का जिक्र है उसमें चौदह सितारे में कि चार बेटे थे दो करबला में शहीद हुए एक बेटी थी जिनका नाम था उम्मे कुलसुम उम्मे कुलसुम का जो वाक़ हम बयान कर रहे हैं तो वो आप लोग भी अपनी नॉलेज बढ़ाएं क्योंकि बज दफ़ा प्रॉब्लम ये होता है बस चीज़ें हम डिस्कस करते हैं लेकिन वर भी किताबों में होती हैं लेकिन ये जो हमने दो चीज़ें डिस्कस की आपको एक चौदह सितारे का हवाला दिया दूसरा हवाला है अलामा तालिब जौहरी साहब कि अल्लाह उनके दर्जात को बलंद से बलंद फरमाए उनका मख्ल एक हैदी करबला यह आपको पी डी एफ मिल जाएगा लेकिन हदीसी करबला मिल जाएगा हदीस करबला में जो शहदाय बनी हाशि में उसमें उन्होंने एक नाम लिखा है कासिम इबन मोहम्मद इब्न जाफ़र तैयार के जो दामाद थे हज़रत जैनब के बस करबला में जनाब जैनब के दो बेटे शहीद हुए एक दामाद शहीद हुआ और क्या हुआ खुद अपनी औलाद को किया और बेटी भी असीर हुई खुद भी असीर हुई और बेटी भी बेवा हुई। और वाकया बयान होता है कि इन्हीं जनाब जनाबुलसूम के लिए यजीद का पैगाम आया मुआविया ने भेजा मरवान मलू हबीस के जरिए से और यह पैगाम इस सूरत में भेजा कि जनाब अब्दुल्ला के पास आए और आने के बाद इन, इसने कहा के माफिया ने पैगाम भेजा है आपकी बेटी उम कुलसूम के लिए यजीद का और उससे बेहतर कोई है नहीं इस वक्त और जितना आपका कर्ज है वादा हो जाएगा जितना आप महर कहेंगे आपका महर आपको दिया जाएगा उन्होंने फरमाया मेरे बच्चों का फ़ैसला जो है वो मेरे हाथ में नहीं है हुसैन के पास जाओ आज कल जनाब मुख्तार के बाद जनाब अब्दुल्ला की भी शामत आई है सलवा पुण् महम्मद वाले मोहम्मद हमारे कबीला मौलाना हजून भी तशरीफ़ लाए थे लेकिन नकाब की वजह से इनकी मार्फत हासिल नहीं हुई आज इनको नकाब से भी हम पहचान गए ख़ुदाबंद तबारक वाली हम सब को दीन की ख़िदमत की तोहफ़ी ख़तः फ़रमाए शलवार पुणे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद ये नकाब तो यानी मास्क कल हम कुछ लोगों से कह भी रहे थे कि अब खुवा को हम नसीहत कर सकते हैं कि नकब इतना मुश्किल नहीं है तो लिहाजा ऊपर से डालने वाला तो ईजी है ये थोड़ा सा मुश्किल है तो हम भी कह सकते हैं पहले खवातन कह दी आपको क्या पता जी नकाब क्या है तो अब नसीहत में कहा जा सकता है अलबत्त एक बात है बस उसका एहसास अब हमें चश्मे वालों के लिए नकाब वाखन मुश्किल है क्योंकि हर थोड़ी देर के बाद जो है वो यहाँ पर धुंधलापन आ जाता है तो फिर जो खुतिन चश्मा लगाती हैं तो उनसे कहा जाएगा फिर चलें जी आप माफ़ हैं ये एक ज़िमनी गुफ्तगु शलवा पढ़ें बर महम्मद वाले महम्मद वाले तो जनाब अब्दुल्ला ने फरमाया हुसैन के पास है इख्तियार इमाम हुसैन के पास मरवाना आया और ये सारी चीज़ें बयान किं इमाम हुसैन ने कहा कि उसन फलाने वक्त आना हम सब मौजूद होंगे पूरा हमारा ख़ानदान बड़े और भी बाज़ लोग होंगे उधर आना उधर ही पैगाम लेके आना अब वो आया पैगाम लेके सारी बातें कें उसमें से एक मौजू ये था कि हम यह माविया ने मुझे भेजा है और कहा है कि यजीद के रिश्ते के लिए जनाब उम कुलसूम कुसूम बिनते जनाब जैनब से और जितना कर्ज है आपका अदा होगा जितना आप माल चाहेंगे मिलेगा और जितना आप महर कहेंगे महर होगा अब जाहिर है अपने पॉलिटिकल फ़ायदे भी चाह रहा था क्योंकि उसके लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल थी वो ये थी कि खानदान रसूल उसके खिलाफ था उसने कही हमारे खानदान का भी सेटअप हो जाएगा दो खानदानों में दोस्ती हो जाएगी अभी तक तो आड़ ले रहे थे मामू जान बनने की खालमन अब ये और कुछ चक्कर हो जाता अब ये खालमन वाला बड़ा मामला है क्योंकि ये भाई था हज़रत उम्म हबीबा का लेकिन एक माँ से नहीं था हज़रत उम्म हबीबा की माँ जो है वो अल खातून थी ये हिंद हिंद से ये हिंदा से था हजरत उम्म हबीबा हिंदा से नहीं थी याद रखें अब ये क्योंकि उम्मुल उम्रमिन का भाई है तो एक नया मौजू इस आलम इस्लाम में उभर के आया इसका उमुल मोमिन मोमिन मुम्मिनी की माँ अरबी में खाला कहते हैं माँ की बहन को और खाल कहते हैं माँ के भाई को तो माविया को टाइटल दिया गया खालुल उल मोमिन यानी मामूल उलमोमिन तो कहा जाए कि इतनी सारी अजवाज वैसे ही एक ही मामू जान नजर आए और मामूओं का क्या कसूर था बिलाखर तो ये एक पॉलिसी का हिस्सा था कि आप अपने आप को और मजबूत करेंगे और उसके बाद कहा कि यजीद जैसा कोई है नहीं कुफ नहीं है इसकी कोई मिसाल नहीं है यजीद की और अगर ये आप रिश्ता करेंगे तो आपको लोग हसरत से देखने वाले ज्यादा होंगे यानी क्या मुराद आप पर लोग रश करेंगे कि कितने लकी लोग हैं इनको यजीद मिल गया यजीद पर रश करने वाले ज्यादा नहीं होंगे कि उन्हें आप मिल गए ये माफ ये कौन कह रहा है मरवान खुली तोहिन कि आप पर लोग रश करेंगे वो ज्यादा होंगे थोड़े से लोग होंगे जो रश करेंगे यजीद पे कि आप मिल गए और यजीद वो है कि जिसका चेहरे का वास्ता दे के दुआएं की जाती हैं यजीद वो है जिसका चेहरे का वास्ता देखे दुआएं की जाती हैं उसकी कोई मिसल नहीं है कोई कुफ नहीं है उसका यानी क्या मुराद अगर आप भी अपनी भांजी दे दें तो कोई एहसान नहीं है उसका तो जोड़ ही नहीं है किसी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहली बात यह कि हमारा तुम्हारा जो इख्तलाफ है वो अल्लाह के लिए है वो इस किस्म के रिश्तों से खत्म होने वाला नहीं है एक वो खानदान है कि जिन्होंने कहा सद्लाह और तुम वो खानदान हो जिन्होंने कहा वो खानदान है कि हम कहते हैं कि अल्लाह सच कहता है तुम वो खानदान हो जो कहते हो अल्लाह झूठ बोलता है फिर ये बताओ कि हम में से कौन ऐसा है जिसने अपनी लड़कियां दी हों कर्जे माफ कराने के लिए हमने पहले कोई लड़की दी है अपने कर्जे माफ कराने के लिए जब देंगे ये और हमने कब ज्यादा मेदार में मेहर रखे हम तो सुन्नत रसूल अल्लाह पे चलते हैं सो महर सुन्नत और ये जो तुमने कहा तो यजीद का चेहरा देख के बारिश के लिए दुआ होती है ये रसूल्ला की सिफत है फिर और मजम्मतें की और उसी महफिल में इमाम हुसैन सलाम ने निशात फरमाया कि मैं उम कुलसूम का निका करता हूँ किससे उम कुलसूम बेटी हैं किसकी जनाब ज़ैनब की जनाब ज़ैनब के शहर का नाम क्या अब्दुल्ल अब्दुल्ल अबन जाफर तैयार जाफर तैयार के तीन बेटे थे ओन मोहम्मद जाफर तैयार मोहम्मद के बेटे थे कासिम यानी ये दोनों एक दूसरे के लिए चचा की औलादें थे चचा ताई की अब्दुल्ला बड़े थे ये छोटे थे तो यहाँ पर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया कि मैं अब ज़ाहिर पूछा होगा पहले कुलसुम से भी पूछा होगा जनाब कासिम से भी कासिम वो वाले नहीं याद रखे इमाम हसन के ये कासिम अलग हैं और उसके बाद इमाम हुसैन ने उसी महफिल में ऐलान किया कि मैं उम्म कुलसूम का अख्त करता हूँ कासिम अबन मोहम्मद इबन, इबन जाफर तैयार से और महर मेरी जानब से होगा और वादी अतीक में जो हमारी ज़मीन है वो मैं इन दोनों को तोहफे के तौर पर देता हूँ ताकि उससे अपना गुजार अवकात करें ये वाला वाकया खुद पढ़ें वरना बज दफा होता क्या जी नई नई बातें आ रही नहीं नहीं होती बाद दफ़ा चीज़ें किताबों में होती हैं वो बयान नहीं हो पाती तो उर्दू के लिए हमने हवाला दे दिया जियारत नाह में इन जो दोनों हस्तियों का जिक्र है यानी जनाब ओन का और जनाब मोहम्मद का तो वह हम बयान करना चाह रहे हैं ताकि इसमें एक सिफत है कि जिसमें फजीलत आती है जनाब अब्दुल्ला अपने जाफर तैयार की भी और वह फजीलत यह कि याद रखें कि जब यह मक्के से निकले थे इमाम हुसैन और जनाब जैनब कहाँ जाने के लिए कोफा जाने के लिए तो फ़र्श करें मदीना यहाँ है मक्का यहाँ है और कोफा जो है वो इधर है तो पहले काफिला मदीना से निकल के मक्का गया मक्का से जब ये काफिला चला है आठ जल्हिज को कोफा जाने के लिए तो फिर एक मंजिल आती है कोफे के रास्ते में मक्के से कोफा जाते हुए एक मंजिल आती है जो मदीना से करीब हो जाती है उसे कहते हैं वादी अतीक़ ऐसी वादी अतीक में यह ज़मीन थी कि जो जनाब उम्म को और मोहम्मद इबन का अबिन मोहम्मद इबन जाफर तैयार को इमाम हुसैन ने दी इसी वादी अतीक में आए थे कौन जनाब ओन मोहम्मद किसके जरिए से जनाब अब्दुल्ला के जरिए से और अपनी जानब से उन्होंने फर्जंद रसूल के लिए जनाब ओन व के लिए कुरबानी भेजी थी जनाब ओन मोहम्मद की सूरत में फ़र्जंद रसूल पे से क़ुरबान करने के लिए अपनी निशानियों को भेजा था ज़ारत नाहिया में इन श्ला ज़िक्र रहा तो ज़िंदगी रही तो ज़्यारत नाहिया को भी ज़रा सा डिस्कस करेंगे ज़्यारत नाहिया में क्योंकि आम जमान सलाम से मनसूब है तो सलाम फ़रमाते हैं, व आया ओन इब्न अब्दुल्ला इबन जाफ़र तैयार तो फिलजनान सलाम हो ओन अब्न अब्दुल्ल अबन जाफ़र पर के जो कसरत से परवास करने वाले हैं जन्नत में हलीफ बिलीफ अलीफ़ अल ईमान के जो ईमान के साथ साथ हैं मनाज़ल मनाजलान के जो बुज़ुर्गों की महफिल में रहने वाले हैं, हैंमान के जो रहमान के लिए नसीहत करने वाले हैं इन तमाम हस्तियों ने अपने अपने मुकाबले से पहले इन तमाम लोगों की हिदायत के लिए पहले गुफ्तू की तमाम तो फरमाते हैं अन्ना सहरमान अतालसानी वल क़ुरान के जो तिलावत करने वाले हैं सूर हमद की और कुरान की यहाँ से पता चलता है कि शायद कोई ख़ास राबता था सूरह हमद में और जनाब ओन में कुछ ख़ास उनका शायद विरद था कि जमाम जवान सलाम ने ताली कुरान तले कुरान में सब आ जाता है लेकिन मखसूस जिक्र किया मसानी अलमसानी कहते हैं सूर्मद को मुमकिन है ये उनका खास वर्द था शायद वन अब्दुल्लाबन नहबानी आ... के लानुन तबारक वाल अबन खुतबा पर के जो कातिल है जनाब ओन का अब उसके बाद फरमाते हैं असलाम अला मोहम्मद इबन अब्दुल्ला बिन जाफर अशाहिद मकान अभी है सलाम हो मोहम्मद इबन अब्दुल्ला बिन जाफर पर कि जो अपने बाप की जगह आए अपने बाप की जगह इतनी वाज बात आ रही है यानी यहां पर वाजह हुआ कि जनाब अब्दुल्ला ने इनको भेजा था और तारीख में बयान हुआ कि जिस वक्त इनकी शहादत की खबर आई इमाम हुसैन की और असाब इमाम हुसैन की तो एक शख्स ने जनाब अब्दुल्ला को अपने हिसाब से खुश करने के लिए या बलफात दीकर इमाम हुसैन पे तंज करने के लिए कहा कि यह सब कुछ हुआ है हुसैन इब्ने अली की वजह से जनाब जाफ़र तय जनाब अब्दुल्ला अबन जाफ़र रो रहे थे वहीं से अपना जूता उठा के उसको मारा खामोश हुसैन इब्ने अली की तोहन करता है दो बच्चे क़ुरबान करने के बाद अब उसके बाद ये सवाल उठाए जाएँ जनाब अब्दुल्ला के लिए असलम अल मोहम्मद इबन अब्दुल्ला बिन जाफर शाहिद मकान अबी है तो है यहां से पता चलता है कि जनाब ओन के बाद गए थे वह वाकई है बेबदन ही इमाम हुसैन का अपने बदन से दिफा किया लानल कामिर अबन नह तमीमी खुदाबंद तबारक व तैयार की लानत हो आमिर अबन नहशल तमीमी पर यह है इनकी फ़जीलत ज्यारत नाहिया में हाँ मोमिन और शब आशूर तमाम बीबियाँ तैयार कर रही थीं तो जनाब जैनब कभी जनाब ओन को तैयार करती थी कभी जनाब मोहम्मद को तैयार करती थी तो कभी दिल में आता है जनाब कासिम अपने मोहम्मद अपने जाफर तैयार को तैयार करती थी लेकिन साथ में मुमकिन है कि अपनी बेटी को भी तसली देती हूँ कि बेटी कल तुम्हें भी बेवा होना है सब्र से काम लेना कहीं ऐसा ना हो कि अपने शोहर को जाने से रोक दो क्योंकि मुमकिन नहीं था मुमकिन है नसीहतें कर रही हूं और समझा रही हूं बेटा मैं भी तैयार हूं अपने बच्चों को कुरबान करने के लिए किस पे से रसूल के बेटे पे से यह जहन में रखें कि इमाम हुसैन उनके भाई तो थे लेकिन उनका एक खास मकाम था वो फरजंदे रसूल थे लिहाजा मौला अमीरुल उलमिन ने भी जो अपने बेटों को तैयार किया था कह के तैयार किया था कि तुम मेरे बेटे हो तुम्हें कर्बान होना है हसन हुसैन पे से जनाब मोहम्मद हनफिया से भी यह फरमाते थे कि तुम मेरे बेटे हो हु। हसन हुसैन रसूल के बेटे हैं यानी वाज फरमाते थे कि हसन हुसैन का मामला अलग है भाई हैं तुम्हारे हैं तुम्हारे सगे भाई लेकिन अल्लाह ने रसूल अल्लाह का बेटा इनको करार दिया है तो दिल यह कहता है कि शब आशूर जनाब जैनब अपने बेटों को कहती होंगी अपने बेटों से कहती होंगी कि देखो तुम्हें हुसैन पे से कुर्बान होना है और साथ में मुमकिन कहती हूँ कि हुसैन को फकत मामू न समझना यह तुम्हारी माँ का भाई नहीं है बल्कि यह रसूल का बेटा है रसूल का नवासा बाद में समझना रसूल का बेटा पहले समझना तो दूसरी जानब जनाब उमें कुलसूम से कहती होंगी कि अपने शोहर को भेजो और कभी जनाब मोहम्मद कासिम अबन मोहम्मद से फरमाती होंगी बेटा तुम जाफर तैयार के पोते हो जिस तरह से जाफर तैयार ने अपने आप को रसूल पे से कुर्बान किया आज वक्त है कि तुम्हें अपने आप को कुर्बान करना है रसूल के बेटे पे से अचरकोल्ला सुबह आशूर कभी जनाब ओन तैयार हैं कभी जनाब मोहम्मद तैयार हैं कभी जनाब कासिम अबन मोहम्मद अबन जाफर तैयार तैयार हैं लेकिन अब मामला बड़ा अजीब है एक वक्त आया कि जनाब कासिम अबन मोहम्मद अबिन जाफर तैयार गए दिल ये कहता है कि मुकाबला किया यही हुआ जनाब का पोते ने तो अलमान की निदाएँ बुलंद हो गई हर जानब से घेरा गया और जनाब जाफर तैयार के इस पोते को जनाब जैनब के इस दामाद को कत्ल कर दिया गया रन में निदा गूंजी होगी वहाँ से निदा आई होगी असलम आलई या अब अब्दुल्ला दिल ये कहता है कि जनाब जैनब ने कभी सजदे में सर रखा होगा तो कभी जनाब उम कुलसूम ने कि जो बेटी थी जनाब जैनब की हाँ मोमिनो एक वक्त आया कि जनाब कौन गए मार के के लिए फिर एक वक्त आया जनाब मोहम्मद मार के ले गए कभी जनाब जाफर तैयार के जलवे दिखाए क्योंकि जाफर तैयार के पोते हैं तो कभी हैदर करार के जलवे दिखाए क्योंकि हैदर ए करार के नवासे हैं हाँ मोमिनो दश्त करबला में कभी जनाब जाफर तैयार नजर आने लगे तो कभी जनाबे मौला अमीर मोमिन नजर आने लगे इसी दौरान जब मार का बढ़ता चला गया तो कभी तीर से हमला हुआ कभी तलवार से हमला हुआ हाँ मोमिनो एक वक्त आया कि जनाब कामद जाफर तैयार शहीद हुए एक वक्त आया कि जनाब ओन मोहम्मद शहीद हुए लेकिन अजब मामला है वो जैनब के जो अपने भाई हुसैन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है वो जैनब के जो अपने भाई की हर वक्त मदद करने के लिए जाती है वो जैनब के जब जनाब अली अकबर रन में गिरे तो जनाब जैनब खेमे से निकले

दफा हुसैन की खिदमत के लिए निकली जनाजे उठाने के लिए निकली लेकिन जब ओन मोहम्मद हुए तो वो जैनब खेमे से बाहर ना निकली एक शुक्रिया की या एक शर्मंदगी की निगाह हुसैन की मेरी जाने बा जाए कहीं ऐसा ना हो कि हुसैन की निगाह झुक जाए के बहन जैनब तुम्हारे दो बेटे कत्ल हो गए लेकिन जैनब ने भी हक अदा कर दिया जब इनके सर तन से जुदा हुए तो जैनब खेमे से ना निकली जब इनके लाश गए तो जैनब से ना निकली अब मुहर्रम को मकतल से गुजरी हुसैन के लाशे पे अपने आप को गिरा दिया हुसैन के लाशे को अपनी आगोश में ले लिया लेकिन मक्तल में दो और लाशें पड़े हैं जो ऐसा गुमान होता है किसी बे के लाशे पड़े हैं मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूं के ये बेमा के लाशें नहीं है इस वक्त इन बच्चों की माँ आत्मा बन के हुसैन के लाशे पे बैठी है और हुसैन की माँ इन बच्चों के लाशे पे बैठी है मातमे हुसैन